इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स होता क्या है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, पूरी जनरलिटीज वगैरह करवाऊंगा और एक हम कर लेंगे इलस्ट्रेशन जिसके साथ पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर को, जिसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स होता क्या है, हम जब भी डिवेंचर्स इशू करते हैं हम डिवेंचर्स होल्डर को एक अमाउंट पे करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है। ऐसा नहीं है कि आज कुछ और दे दिया और कल कुछ और दे दिया। जैसे शेयर होल्डर के साथ होता है ना, इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है प्रॉफिट में से। वो प्री डिसाइडेड नहीं होता, वो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट ही मिलता है। लेकिन डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ता है कंपनी को, चाहे वो कंपनी लॉस में हो चाहे वो प्रॉफिट में हो। ठीक है, वो पहले ही इशू करने टाइम ही डिवेंचर्स पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हो जाता है। उस पर पर्टिकुलरली लिखा होता है कि इतने परसेंट डिवेंचर्स है, जो 9 है, 12 है, 15 है, 4 है, कुछ भी परसेंटेज हो सकती है, लेकिन वो प्री डिसाइडेड होती है। वो कंपनी को पे करना ही पड़ता है, चाहे वो लॉस करें चाहे प्रॉफिट करें। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स जो कंपनी पे करती हैं वो क्वार्टरली बेसिस पर भी पे की जा सकता है, हाफ ईयरली भी और ईयरली बेसिस पर भी। ये जो भी है इशू टाइम ही प्रॉस्पेक्टस में ही डिसाइड किया जाता है कि आपको किस टर्म पे इंटरेस्ट की पेमेंट होगी। ओके, तो जितना भी इशू ऑफ डिवेंचर करते टाइम इंटरेस्ट रेट डिसाइड हो जाता है, हम डिवेंचर अकाउंट के पहले मींस प्री फिक्स लगा देते हैं उतनी परसेंटेज। जैसे हम लिखते हैं ना, पीछे अपने सारे चैप्टर किया ही है उसमें ऐसे लिखते थे ना, 9% डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर, 12% डिवेंचर, जैसे पहले लिखते थे ना, वो एज ए प्री फिक्स हम रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करते हैं डिवेंचर अकाउंट के सामने। ओके, ताकि हमें पता चल जाए कि इस डिवेंचर्स पर कितना इंटरेस्ट हमने देना है। और जो जो इंटरेस्ट हमारा है जे हम प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करते हैं, ना कि जो बच जाता है पैसा उसके अगेंस्ट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो चार्ज होगा ही होगा, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको इंटरेस्ट पे डिवेंचर को करना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पर हम TDS भी डिडक्ट करते हैं। TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कंपनी के द्वारा डिवेंचर होल्डर्स की जो पेमेंट होती है पर डिवेंचर होल्डर TDS डिडक्ट किया जाता है, वो सरकार को डिपॉजिट करवाना होता है। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट है कंट्री की, जितना भी इनकम टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा रेट ऑफ TDS डिसाइड किया होता है ऑन इंटरेस्ट हेड पे, वो आपने डिडक्ट करके खुद डिपॉजिट करवाना है कंपनी ने। मींस को आप मतलब कंपनी ने डिडक्ट करके खुद डिपॉजिट करवाना है इनकम टैक्स अथॉरिटीज ऑफ कंट्री जो भी होगी। ठीक है, इनकम टैक्स अथॉरिटी द्वारा कोई भी गाइडलाइन होगी, जैसे भी डिपॉजिट करवाना है, किस डेट तक करवाना है, वो सारा कुछ फॉलोअप आपने करना होता है, डिवेंचर होल्डर ने नहीं करना होता। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का अमाउंट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने डिसाइड किया है उसको कैलकुलेट आपने करना है फेस वैल्यू पे। ये ध्यान में बात रखना कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर जो है इंटरेस्ट उस पर ही कैलकुलेट होगा, चाहे वो डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू किए हों चाहे वो डिवेंचर्स प्रीमियम पर इशू किए हों। लेकिन जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ओनली एंड ओनली नॉमिनल वैल्यू, जिसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं, उस पर ही कैलकुलेट करके मिलेगा डिवेंचर होल्डर को। ओके, एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि इंटरेस्ट जब ड्यू होना है, अगर वो फाइनेंशियल ईयर मैच नहीं करते, आपके ईयर में डिफरेंस आ रहा है, तो आपको एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में एक्रूड इंटरेस्ट क्रिएट करके ही रखना है, क्योंकि जितने पीरियड का इंटरेस्ट भी जिस साल के लिए है उस साल में ही उसको हम क्लेम करेंगे अगेंस्ट द प्रॉफिट। ओके, लेकिन जो देना है वो तब देंगे जब डेट ऑफ पेमेंट आएगी आपकी। ओके, चलिए आगे देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज जो जो भी हम डालेंगे। टोटल नंबर्स ऑफ 5 जर्नल एंट्रीज बनेंगी इसमें। चलिए मैं 5 की 5 आपको 1 बाय 1 समझा देता हूँ।
पहली जर्नल एंट्री हमारी बनेगी व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू एंड टैक्स इज इग्नोर्ड, मीन टैक्स हम इग्नोर कर रहे हैं, कोई टैक्स को हम डिडक्ट वगैरह नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हैं जितना भी देना पड़ेगा हमें डिवेंचर होल्डर को, उस केस में हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी डिवेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट, या फिर आप लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट, मीन्स डिवेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट या फिर इंटरेस्ट ऑफ ऑन डिवेंचर्स अकाउंट, दोनों में से एक भी अकाउंट आप चूज कर सकते हो, वो लिख के आपने ड्यू कर देना है, मीन्स डिवेंचर होल्डर को क्रेडिट खड़ा कर दिया, उनको पैसे हमने देने हैं, क्रेडिटर बन गए हमारे, ओके। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हमारा एक्सपेंस हो गया है तो उसको हमने डेबिट करके एक्सपेंस बुक कर लिया अपना, ओके। नेक्स्ट हमारे केस बन जाएगा व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू एंड टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स, TDS भी डिडक्ट कर रहे हैं हम और इंटरेस्ट हमारा ड्यू की एंट्री कर रहे हैं, हमारा एक्सपेंस नहीं कम होगा, हमारा तो खर्चा उतना ही रहेगा, लेकिन जो हमने डिवेंचर होल्डर को पैसे देने हैं उनकी इनकम से टैक्स डिडक्ट करके हमने रखना है, ठीक है। तो हमारे एक्सपेंस तो ना बढ़ेगा ना कम होगा, वो तो जस्ट उतना ही रहेगा, तो जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट टू TDS पेबल अकाउंट। अब हमने दो पेबल बना लिए, एक तो डिवेंचर्स होल्डर को बना लिया, उनको भी हमने पैसे देने हैं, और एक TDS पेबल बना लिया जो हमने इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑफ कंट्री कोई भी है उसको देने हैं, ठीक है। अब जितना भी रेट ऑफ TDS बताया गया है आपको क्वेश्चन में, आपने उतने परसेंटेज डिडक्ट करके TDS पेबल में डाल लेने हैं, और बैलेंस जो है वो डिवेंचर्स होल्डर के अकाउंट में डाल देना है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का अमाउंट आपका चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा, क्योंकि एक्सपेंस अपना उतना ही होगा, जस्ट जो पेमेंट करनी है अब थोड़ा सा पोर्शन ऑफ पेमेंट हमने गवर्नमेंट को दे देना है और बाकी का सारा दे देना है डिवेंचर होल्डर को, ओके। नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी व्हेन इंटरेस्ट इज पेड, अब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, पेमेंट हो रही है तो फिर कैश हमसे जाएगा, तो वो क्या जर्नल एंट्री बन जाएगी डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब डिवेंचर होल्डर को हमने पैसे दे दिए और कहाँ से दिए, बैंक अकाउंट से, तो डिवेंचर होल्डर हमारे क्रेडिट थे उनको डेबिट करके अब वो रिसीवर बन गए, रिसीवर को हमने डेबिट कर दिया तो उनके पैसे हो गए खत्म, अब बैंक से हमने कर दी है पेमेंट, ओके। इसमें जो अमाउंट हम डालेंगे वो डिवेंचर्स होल्डर वाला ही डालेंगे, जो हमने सेकंड जर्नल एंट्री में डाला था ना कि डिवेंचर होल्डर को जितनी पेमेंट करनी है उतना ही अमाउंट आप पे करोगे, मींस इंटरेस्ट माइनस TDS। अगर आप फर्स्ट केस अडॉप्ट कर रहे हो, टैक्सेस को इग्नोर कर रहे हो, तो फिर तो फुल अमाउंट आपका जहां पर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमारे पास बन जाएगी व्हेन TDS इज डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट अकाउंट, अब हमने सरकार को पैसा जमा करवाना है जो हमने डिवेंचर होल्डर का काट के रखा हुआ है अपने पास, ओके। इसकी जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, TDS पेबल हमारी लायबिलिटी है उसको हम पे कर रहे हैं डेबिट करके, और बैंक से हमारे पैसे जा रहे हैं उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं, ओके। सो लास्ट जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, अब साल के अंत में हमने जो सारे का सारा जो इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट के स्टेटमेंट में, ओके। तो जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट या फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट, ओके। चलिए इलस्ट्रेशन करते हैं TS गरेवाल की बुक में से, BG लिमिटेड इशू 2012% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 1st April 2012, द इशू वाज फुली सब्सक्राइब अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ इशू, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30th September एंड 31st March एंड द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑफ एट 10%, पास ऐसे जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू द डिवेंचर्स इंटरेस्ट फॉर द हाफ ईयरली एंड 31st March 2013 एंड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स of the year to the statement of profit and loss account. सिंपल सी इलस्ट्रेशन है, इसमें आपको TDS दिया हुआ है, अगर आपको क्वेश्चन में TDS नहीं दिया होगा तो आप TDS को इग्नोर करके भी जर्नल एंट्रीज डाल सकते हो सारी, तो मैं आपको TDS वाला ही केस करा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, TDS वाले में थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, दूसरा तो सिंपल ही है वो आप समझ जाओगे, उसमें TDS आप नहीं लिखोगे तो ऑब्वियसली वो सिंपल केस बन जाएगा आसान सा। अब हमें इशू ऑफ डिवेंचर सब्सक्रिप्शन वगैरह की जर्नल एंट्री हमने नहीं डालनी, सीधा ही हमने इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट करना है। इंटरेस्ट देखिए क्वेश्चन में हमें हाफ ईयरली पे करने को बोला है, एक तो 30th September को एक 31st March को TDS डिडक्ट करके, ठीक है। तो 30th September की जर्नल एंट्री डालेंगे और 31st March की डालेंगे और उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट को बुक कर लेंगे एट द एंड ऑफ ईयर।
चलिए देखते हैं सॉल्यूशन को। जर्नल प्रिपेयर कीजिए, सबसे पहले बनाइए जर्नल ऑफ बीजी लिमिटेड, पर्टिकुलर डेट वगैरह का कॉलम सारे आप ड्रॉ कर लीजिए और फर्स्ट जनरेट्री हम डालेंगे 30 सितंबर 2012 की। उसमें हमने इंटरेस्ट ड्यू करना है जो 30 सितंबर को ड्यू हो रहा है। वो कैसे करेंगे, पहले हम डेबिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू TDS पेबल अकाउंट। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखिए, हमारे पास 2000 जो है डिवेंचर्स हैं और 100 ईच हैं, तो यह हमारा टोटल अमाउंट बन गया देखिए कितना, 2 लाख रुपीज। 2 लाख पे हमने करना है 12% फॉर 6 मंथ। ओके, 12% फॉर 6 मंथ करना है, तो ये हमारा इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा कटिंग करने के बाद 12,000। ओके, अब 6 मंथ क्यों किया, क्योंकि हाफ ईयरली हम पे कर रहे हैं तो 6 मंथ ही करेंगे। सो चलिए यहाँ पर अमाउंट लिख देते हैं 12,000। अब उसके बाद डिवेंचर होल्डर का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले TDS कैलकुलेट करना पड़ेगा 12,000 पर, तो 12,000 का TDS बन जाएगा 10% 1200, तो 1200 TDS पेबल में डाल दो और डिवेंचर होल्डर अकाउंट में डाल दो 12,000 माइनस 1200, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,800। तो इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग द इंटरेस्ट ड्यू फॉर 6 मंथ एंड TDS डिडक्टेड एट 10%। नेक्स्ट जनरेट्री हमारी बन जाएगी पेमेंट की। आप कंबाइंड भी कर सकते हो पेमेंट की जनरेट्री को, अलग अलग से लिखनी है अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है। सेम ही डेट में जनरेट्री आ जाएगी क्योंकि हमें डेट कोई दी नहीं है एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कि इस डेट को पेमेंट की है, तो आप डेट सेम ही मान लो। तो डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जितना भी डिवेंचर होल्डर को देना है वो डाल दो 10,800 और TDS पेबल है 1,200, बैंक में टोटल पेबल हो जाएगी 12,000। नरेशन आ जाएगी हमारी बीइंग द इंटरेस्ट पे टू डिवेंचर्स होल्डर एंड TDS डिपॉजिट इन गवर्नमेंट अकाउंट। चलिए नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमारी बनती है 31 मार्च 2013 को। उसमें हम करेंगे फिर से इंटरेस्ट ड्यू, तो सेम ही जर्नल एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी, वो भी 6 मंथ का ही है ना। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू TDS पेबल अकाउंट, सेम जर्नल एंट्री, सारी कैलकुलेशन सेम अमाउंट सेम, क्योंकि इक्वल अमाउंट है दोनों का। ओके, इक्वल पीरियड है, 12,000 आ जाएगा इंटरेस्ट, 10,800 डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में आ जाएगा और TDS पेबल में आ जाएगा 1,200। और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग द इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर्स फॉर अ हाफ ईयरली एंड 31 मार्च 2013 TDS डिडक्टेड एट द 10%। अब इसके बाद भी सेम ही डेट में पेमेंट की एंट्री भी डाल देंगे एज इट इज ही, डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम जनरल एंट्री बन जाएगी, 10,800 डिवेंचर होल्डर में आ जाएगा, TDS पेबल 1,200 और बैंक में आ जाएगा 12,000। नरेशन आ जाएगी हमारी बीइंग द इंटरेस्ट पेड एंड TDS डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट अकाउंट। चलिए लास्ट जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करेंगे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो लिखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट, टोटल कर लीजिए कितना है 12,000 प्लस 12,000 करके 24,000 आ जाएगा अमाउंट, 24,000 डेबिट में 24,000 ही आप क्रेडिट में लिख दोगे। ओके, इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग द इंटरेस्ट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, जे आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जे विद इन द बिग क्वेश्चन आ सकता है। अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें DM कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।